गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में रिया जो राजस्थान वाली जो स्टोरी थी अ विजिट टू अ जयपुर, जिसमें रिया ने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा था, उसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। रिया वॉज मिसिंग, इसको मिस कर रही थी अपने फ्रेंड राजा को, राजा, ठीक। राजा हैड जॉइन सेवन ओक्स स्कूल इन लंडन। सेवन ओक्स, एस ई वी ई एन, सेवन ओ ए के एस, ओक्स स्कूल इन लंडन। थर्ड वाला, रियाज फादर वॉन्टेड टू टेक अ रोड ट्रिप फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जयपुर। न्यू दिल्ली तक वो लोग प्लेन से गए थे, आगे वो बाई रोड गए थे, तो न्यू दिल्ली से जयपुर। द पैलेस कॉम्प्लेक्स इन अंबर फोर्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर सेक्शन, चार भागों में बांटा हुआ था। रिया एंटर्ड अंबर फोर्ट थ्रू द सूरज पोल सन गेट, वहाँ से उसने अंबर फोर्ट में प्रवेश किया था, है ना। चलिए तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। आप लोग अपनी कॉपी ओपन कर लेंगे और मैं देखिए करवा रहा हूँ आपको। देखिए बताया है, जैसे जितना आप नोट करेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे और इसको देख करके लिख लेंगे। वेयर डज रिया स्टे, रिया स्टेज इन कोलकाता, रिया स्टेज इन कोलकाता, कोलकाता में रहती थी रिया। व्हाट डज द लोकल गाइड शो रिया एंड हर फैमिली, द लोकल गाइड शोड द अंबर फोर्ट एंड रिया टू रिया एंड हर फैमिली। द लोकल गाइड शोड द अंबर फोर्ट टू रिया एंड हर फैमिली, ठीक। हु हैड बिल्ड द हवा महल, वॉट डज इट लुक लाइक फ्रॉम द आउटसाइड, किसने बनाया था और कैसा दिखता था। हवा महल वॉज बिल्ट बाई महाराजा सवई प्रताप सिंह इन 1799। From the outside, it looks like a beautiful honeycomb. मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता था ना। हवा महल was built, B-U-I-L-T, built by महाराजा सवई प्रताप सिंह in 1799. From the outside, it looked like a beautiful honeycomb. ठीक, आगे देखो। Why was Rhea in for a surprise at the restaurant? Rhea was in for a surprise at the restaurant as the food was served on silverware. उसको देखकर आश्चर्य हुआ था ना, क्योंकि चांदी के बर्तनों में खाना सर्व हुआ था। Rhea was in for a surprise at the restaurant as the food was served on silverware. हो गया। List the things Rhea had for lunch. क्या क्या खाया लिया ने। She had प्याज की कचौड़ी, गट्टे की सब्जी and rice. She also drank soothing mildly flavored butter milk. है ना, उसने she had प्याज की कचौड़ी, गट्टे की सब्जी and rice. She also drank soothing mildly flavored butter milk. ठीक, ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। आप वीडियो पॉज करके पूरा लिख सकते हो, ठीक। और आगे का काम अब हम लोग करते हैं, ठीक है। चल अब हम लोग ये पेज नंबर, इसमें ये वोकैबुलरी में आएंगे। क्रॉस आउट द ऑड वर्ड, जो ऑड वर्ड है उसको क्रॉस करना। देखो फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी, मटेरियल, क्लोथ। देखो एम्ब्रॉयडरी तो एक तरह की कढ़ाई हो गई ना, तो बाकी तो सब कपड़े से रिलेटेड हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑड वर्ड है, इसको क्रॉस कर दिया हमने। एडोन, डेकोरेट, ब्यूटीफाई, गोल्ड, सब सुंदरता से है लेकिन गोल्ड मेटल है, तो देखो इसको क्रॉस किया। स्पॉट वेन्यू, पैलेस, ज्वेलरी, ये स्पॉट वेन्यू जगह है, ज्वेलरी तो गहने हो गए, तो ये ऑड वन है, इसको हमने कर दिया। टूरिस्ट, मोनामेंट, ट्रैवलर, विजिटर, टूरिस्ट, ट्रैवलर और विजिटर तो किसी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, मोनामेंट तो जगह के लिए हो रहा है, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया।
कनेक्शन कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट हेरिटेज, यहाँ पर हेरिटेज ऑड वन है। कल्चर ट्रेडिशनल वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री, ये वाइल्ड लाइफ जो है ये ऑड वन है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों को इसमें से छा, आई वॉक या वॉक, वॉक मैंने वॉक पे टिक लगाया है, आप इसको लिख लेंगे यहाँ पर। ही हेल्प्ड अर्थ मूव्स, ठीक। माय ग्रैंडफादर वेंट टू आवर अंकल्स हाउस लास्ट संडे। वी वॉच्ड WATCHED वॉच्ड अ फिल्म यस्टरडे। शी वॉशेज हर कार एवरी वीकेंड। यहाँ पर पी आर सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए कहाँ लगाना है और पी पास्ट टेंस के लिए लगाना है। तो अमित एंड हिरितेन प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, मतलब खेलते हैं, तो ये पी आर लिखा मैंने उसके आगे। आई लव वनीला आइसक्रीम, ये भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पी आर। द थर्स्टी बर्ड रैंग वाटर फ्रॉम द लेक, के पास पिया था, है ना, ये पास्ट टेंस में हो गया। काजल लिव्स इन मुंबई, काजल मुंबई में रहती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द स्नेक इज एगरली एट द मंगूज, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। शिखा सिंग्स फॉर 2 hours एवरी डे, ये भी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ठीक, ये मैंने लिख दिया, आप देख के नोट कर लीजिए। अब ये देखो पंक्चुएशन है, इनको आपको देखो, जैसे एलिफेंट पी एच तो से फोन बना, डॉल्फिन है ना, फिर ग्राफ, ये सब चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमें कॉमा लगाना है, जैसे माई मदर सेड, यहाँ पर कॉमा लगेगा और बाकी का आगे का सेंटेंस हो गया। उसी तरह आई मैन, अ मैन शाउटेड, द पोस्टमैन सेड, यहाँ पर हल्का सा रुकना है, अल्पविराम है ना, तो इसलिए कॉमा लगा रहे हैं। ही रोट, उसने लिखा, द वेदर हेयर इज वेरी प्लेजेंट। ईशा सेड लेट हैव सम केक, हो गया। अब देखो ये वाले में हम लोगों को अल्फाबेटिकल तरीके से लगाना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक, बाकी का आप करिएगा। जैसे अब बी है, तो बी तो यहाँ लिखेंगे या कॉपी पे ही लिख लेंगे नीचे। अब देखो बी वाले तो वर्ड्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद ए भी दोनों में है, लेकिन उसमें आर है थर्ड वर्ड में, ये एन है, तो एल, तो एल पहले आता है, तो बी ए डबल एल ए डी बैलेट, फिर ए बी सी डी पढ़ेंगे तो इसमें एन आएगा, बी ए एन टी ई आर बेंटर, फिर बेयर। उसी तरह से इन सबको भी आप यहीं पर उनके नीचे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, ये बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए बाय।